गुलाबो महाराज जी से कहना कि आज घर पर ही रहे और खाना कम बनाए। तुम भी यही रहना और ध्यान रखना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है? मुझे आने में 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है भाभी, हम ध्यान रखेंगे। क्यों इतनी धूप में जा रही हैं आप? काली हो जाएंगी। क्या करूं, काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ, मुझे साथ ले जाइए, इसी बहाने मैं आपके साथ भी चल लूंगा और आपके लिए छाता भी पकड़ लूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए आपका टिफिन। अब ये सब कैसे कर लेंगे अकेले अकेले? आपको पता भी है कि कौन से डेकोरेटर के पास जाना है, कौन सी मार्केट में? कुछ जानती तो है नहीं आप, बस बैग उठा के चल दी। अब नैतिक सब हो जाएगा, आपने मुझे नाम तो बताए हैं ना। ऐसे कैसे हो जाएगा अक्षरा, मुझे साथ ले जाती तो सब काम भी हो जाते और हम लोग एक कॉफी भी पी लेते, दो बातें भी हो जाती मियां बीवी के बीच। नहीं नैतिक, आपको ऑफिस जाना चाहिए। अच्छा चलिए, मुझे देर हो जाएगी, रास्ते में मुझे मार्केट छोड़ दीजिए। नैतिक जी हैं? जी कहिए। हम प्रकाश हाउस से आए हैं, लाइट डेकोरेटर्स। आप यहाँ कैसे, आपको किसने बुलाया? मैं तो खुद वहाँ आ रही थी। हमें नैतिक सिंगानिया का फोन आया था, उन्होंने हमें बुलाया। जी मैं ही नैतिक सिंघानिया हूँ, आइए बैठिए ना। जी ये मेरी पत्नी अक्षरा है, आप सब काम के बारे में इनसे पूछ सकते हैं। आप एक बार घर देख लीजिए और बताइए कि कितनी लाइटें लगेंगी और इसके बारे में जितना खर्चा होगा वो आप इन्हें ही बता दीजिएगा। जी ऐसी देखती रहेंगी तो काम कैसे होगा? याद है माने क्या कहा था, शादी की तारीख अभी रखो और वो कितनी जल्दी आ जाती। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ लाइटिंग करनी है, हमारे टेरेस को भी डेकोरेट करना है। चलिए गुस्सा हो गई है इसलिए फोन भी नहीं उठा रही है। हे भगवान, कितनी भयानक गर्मी है। हाँ भाभी माँ, घर आए तो राहत मिली। हाँ राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। मुनीम जी आप? वो मुन्ना आया था दुकान पर, कह गया सारे डिजाइन्स लेकर घर जाओ और बहुरानी को सारे जेवर्स वहीं दिखा दो, तो हम आ गए। विराजी टेरेस तो आपने देख ही लिया है। अरे माँ, भाभी माँ, आप लोग आ गए। ये डेकोरेटर्स हैं, हमारा घर डेकोरेट करेंगे। अच्छा चलिए, बाकी बातें मैं आपसे फोन पर कर लूंगी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। इन्हें मुन्ना ने भेजा? हाँ माँ, मुझे बाहर जाना ही नहीं पड़ा। मुनीम जी को भी मुन्ना ने ही भेजा है, सेट लेकर आए हैं, तुम पसंद कर लो। अब आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं बेटा, ठीक है, लाओ जरा मैं भी तो देखूं। ये देख, आप भी बैठिए ना। तुम ही देख लो बेटा, वैसे भी सब कुछ अच्छी तरह से संभाल ही लिया है। गुलाबो मुन्ना दफ्तर कब गया? बस अभी थोड़ी देरी हुई है। आज पापा काफी देर से ऑफिस गए। तू भाभी माँ और मुनीम जी को बाहर पानी दिया। छोटी दुल्हन, देखो तो कितना सुंदर हार है।
अलग सा डिजाइन है ना। मुन्ना ने मुनीम जी से खुद कहा था नए डिजाइन लेकर घर आना। देख रही हूँ, एक हमारा जमाना था जब पति को पत्नी के गहनों में दिलचस्पी ही नहीं थी। घर में क्या काम होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता था। वो अपने काम करते थे, हम अपने। उसमें भी एक सुख था। भाभी माँ, मैंने आज तक अपना कोई भी काम इन पर नहीं डाला है। माँ ये डिजाइन देख। अक्षरा बेटा, तुमने उन लोगों को घर पे क्यों बुलाया? तुम्हें ये सारे काम खुद करने चाहिए। मुन्ना को ये सब करने को कहोगी, उसे समझ थोड़ी ना है। उसे दफ्तर भी देखना है, शादी की बाकी तैयारियां भी करनी है। जल्दी जल्दी में कितना देख पाएगा मुन्ना? माँ वो मैंने उनसे देखो बहू, अच्छा होगा कि ये सब तुम ही देखो। और वैसे भी इतनी गर्मी में भाग दौड़ करेगा तो मुन्ना बीमार हो जाएगा, तुम जानती हो ना। आप सही कह रही हैं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा आप बताओ, जेवरों का सारा काम हो गया? हाँ माँ, हो तो गया है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने जितने भी डिजाइन्स पसंद किए हैं उन सब का मिलाकर कुछ 11,33,000 रुपए होता है। हम तुम्हें कल सुबह पैसा दे देंगे, तुम मुनीम जी से सारा हिसाब कर लेना। नहीं नहीं माँ, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगी, आप खुद ही दे दीजिए। क्यों, तुम जेवर देख रही हो तो हिसाब भी तो तुम ही देखोगी ना। माँ लेकिन ऐसे माँ मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने ऐसे पैसों का हिसाब किताब कभी नहीं देखा है। बेटा अब तुम सिंघानिया खानदान की बहू हो, ये सब तुम्हें करना आना चाहिए। और तुम नहीं करोगी तो सीखोगी कैसे? हाँ हाँ बेटा, तुम्हें हर चीज का ध्यान रखना आना चाहिए। छोटी दुल्हन को देखो, सारे काम अच्छे से करती है। हाँ भाभी माँ, लेकिन मैं। अच्छा ठीक है, तुम करना नहीं चाहती तो रहने दो। भाभी माँ मैं ही देख लूँगी। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप दे दीजिएगा, मैं देख लूंगी। तुम कर लोगी? कल सुबह तुम्हें पैसे दे देंगे, मुनीम जी से जाकर अभी कह दो कि ये काम जल्दी से शुरू करें। सो गई थी क्या? नहीं, नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ, तुम्हारी आवाज थकी थकी से लग रही है। बस आज सुबह से ही चक्कर सा लग रहा है। अच्छा, मैं माँ से कह देता हूँ, वो तुम्हें आके ले जाएंगी। नहीं नहीं शौर्य, सब परेशान हो जाएंगे। वो शायद मैंने ठीक से कुछ खाया नहीं होगा ना, इसीलिए चक्कर आ गया हो। वर्षा जो भी हो, तुम इस वक्त घर पे अकेली हो, अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है शौर्य, आप बेकार में ही इतना परेशान हो रहे हैं। अकेले ही सही, लेकिन अब अकेले रहने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। सुनो मैं सुबह आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं शौर्य, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है।
वर्षा मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना सुबह आ जाता हूँ, ठीक है? ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। ये तो बताइए कि आपका दिन कैसा था? अच्छा, आपको पता है नैतिक, भाभी माँ मुझे कितने पैसे देने वाली है? पूरे 12 लाख रुपए कैश। सोचिए तो, मैं कैसे संभालूंगी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो मुझे ये पैसे गहने खरीदने के लिए दे रही है और कुछ पैसे उसमें से एडवांस में गहने बनाने के लिए। कैसे संभालूंगी इतने सारे पैसे? क्यों नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं आपकी मदद कर दूंगा पैसे संभालने में, हिसाब रखने में, ठीक है? ये क्या मैडम, मैंने फ्री में आपको मदद करने की इतनी अच्छी ऑफर दी है और आप हैं कि कुछ कह ही नहीं रही हैं। एक बार थैंक यू तो कह दीजिए। घर पे मैंने पूरा बाजार लगा दिया है आपके लिए, तो एक का हक तो बनता ही है ना? नहीं, थैंक यू से ही काम चला लीजिए। आगे भी आपको मेरी मदद चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं चाहिए। चलिए हटी, मुझे चादर बिछाने दीजिए। लाइए, हम बिछवा देंगे। नहीं, आपने मेरी बहुत मदद कर ली, अब कुछ काम मुझे खुद भी करने दीजिए। और आपको क्या लगता है, मुझसे नहीं होगा क्या? तो आपको मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं? पर आपने तो कहा था कि अगर हम साथ में काम करेंगे तो हमें वक्त भी मिलेगा थोड़ा करीब आने का, थोड़ा एक दूसरे को नजर भर देखने का। कुछ देर आप मेरे साथ नहीं बिताना चाहते? मुन्ना, आजकल तो पूजा खत्म होने के बाद ही आता है। बहू, तू मेरे साथ कमरे में चल। हाँ बेटा, कल कहा था ना तुम्हें एक काम देना है, एक नई जिम्मेदारी। आओ। ये लो छोटी दुल्हन, गिन लो। जी। अच्छा। पूरे लाख है भाभी माँ, और ये 12 कट्टियां है। बहू, लो इनमें से कुछ पैसे मुनीम जी को एडवांस में देना और बाकी पैसे उन्हें किश्तों में देती रहना। गिन लो बेटा। माँ, अभी आपने गिने ना? मैंने गिने, लेकिन तुमने तो नहीं गिने। पैसे संभालने का पहला उसूल ये है कि किसी से भी पैसे लो या किसी को भी दो, खुद गिनो। मैं कमरे में जाके गिन लूंगी। अच्छा, लो बेटा, संभाल के रख। और बहू,
सबसे ज्यादा नौकरों से संभालो, उनके सामने तिजोरी में से पैसे निकालना भी नहीं। बेटा मेरा मतलब उन पर शक करने से नहीं है, मैं सिर्फ सावधानी बरतने के लिए कह रही हूं। बेटा एक एक पैसे का हिसाब रखना, जिस समय कितना लेन देन हुआ है वो लिख लेना, ये मत सोचना कि बाद में कर लूंगी वरना भूल जाओगी, ठीक है? हम जानते हैं तुम सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लोगी। बेटा आज दद्दाजी मुन्ना को बाहर भेज रहे हैं बंगले देखने के लिए, इसलिए तुम बाजार चली जाना, जिसको जितना एडवांस देना है दे आना। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूंगी। नैतिक अपना काम देख रहे हैं और मैं अपना देख लूंगी, आप निश्चिंत रहिए। अक्षरा, दादाजी ने मुझे एक बंगलो देखने का काम दिया है, जो उन्हें खरीदना है, तो आप भी साथ में चलिए। शहर के बाहर है और इसी बहाने हमारी एक लंबी ड्राइव हो जाएगी। नहीं नैतिक, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करती हूँ। ये मियाँ बीवी के बीच अपना अपना क्या होता है? नहीं, मर्दों का काम अलग होता है और औरतों का अलग। एक बात तो तय है, शादी की जिम्मेदारी बहू की और बहू की जिम्मेदारी मेरी। चलिए पहले मार्केट चलते हैं, उसके बाद बंगला देखते हैं। नहीं नैतिक, छोड़िए मुझे। मैं समझती हूँ आप मेरी मदद करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सब लोग क्या कहेंगे, एक बार मेरे बारे में तो सोचिए। वो समझेंगे कि मैं अपना काम खुद कर ही नहीं सकती, इधर उधर मदद लेती फिरती हूँ। आपको अच्छा लगेगा जब वो ऐसा कहेंगे। और आप ये जो अकेले के लिए काम करती रहती हैं, ये देखकर मुझे अच्छा लगेगा क्या? नैतिक समझने की कोशिश कीजिए। और आपको पता है बाहर कितनी तेज धूप है, कहीं आपकी तबीयत खराब हो गई तो? अरे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या जो बाहर धूप में नहीं जा सकता? ठीक है, अगर आप मुझे साथ में नहीं ले जाना चाहती तो ना सही। ठीक है, आप यही समझ लीजिए। लेकिन अक्षरा, इतने सारे पैसे आप लेकर जा रही हैं, टैक्सी में आना जाना होगा, किसी ने अकेली लड़की देखकर अगर पैसे आपसे छीन लिए तो, या फिर अगर आपके हाथ से कहीं पैसे गिर गए तो? नैतिक आप मुझे डरा क्यों रहे हैं? डरा कर रहा हूँ, आए दिन पेपर में तो यही सब आता है ना। तो फिर मैं कैसे? देखिए मैं तो सिर्फ आपको सतर्क कर रहा हूँ, आप जाइए, लेकिन जरा संभल कर जाइए। ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।